आप किस जगह पर मौजूद हैं और यहाँ पर क्या माहौल देख रहे हैं आप? वो जोशों खरोश से मनाई जा रही है और इस वक्त जो एक समा है वो ऐसा लग रहा है कि ईद सा समा है, क्योंकि शहरियों की बड़ी तादाद जो है वो सड़कों पर निकल आई है। और ये कहना गलत ना होगा कि तकरीबन सारे ही कराची वाले सड़क पर आ गए हैं और दूर दूर तक जहाँ भी नजरें घुमाई जाए तो सिर्फ लोग ही लोग नजर आ रहे हैं मेरे कैमरे में। फ्लैग्स की सेलिब्रेशन होती है उसी तर्ज पे आज कराची में तीन तलवार पे जो कंट्री एट के नाम से बिल्डिंग है उधर ये जो है वो 3D के ऊपर पाकिस्तानी फ्लैग नशर किया गया। अभी भी इस वक्त ये वो बिल्डिंग है जहाँ पे पहले काउंटडाउन स्टार्ट की गई। तो एक फैमिली मौजूद है जो कि यहाँ पे जो है वो बकायदा देखने के लिए यहाँ पे आई हुई थी। जी मुझे बताइएगा कि आपने पहली दफ़ा कराची में पाकिस्तान में डिजिटल इस सेलिब्रेशन इस तरीके से कितनी खुशी है? मुझे बहुत अच्छा लगा कि ऐसा कोई इनिशिएटिव कंट्री बिल्डर्स ने लिया है। इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव। बड़ा इंटरेस्टिंग लगा कराची में ऐसा पहली बार देखने को मिला एंड आई थिंक जितने भी लोग यहाँ आए हुए थे उन्होंने भी काफ़ी इंजॉय किया तो काफ़ी अच्छा। जी बिल्कुल, जैसे कि देख रहे हैं इस वक्त जो है वो ट्रैफिक जाम की सूरत हाल थी, अब जो है वो ट्रैफिक जो है वो नॉर्मल हुआ है, वरना यहाँ पे गाड़ियों की लाइन लगी हुई थी सिर्फ इस सेलिब्रेशन को देख। जो ऑर्गेनाइजर है उनसे हम जानते हैं कि इन्होंने ये इनिशिएटिव किस तरीके से लिया। इरफान भाई मुझे बताइएगा किस तरीके से क्या सोचा इनिशिएटिव इस बारे में? हम मुल्क से बाहर जाते हैं, अपने मुल्क से बाहर जाके सब चीज़ें पाकिस्तान से बाहर देखते थे कि बुर्ज खलीफा के ऊपर इस तरह की लाइट्स होती थी, क्यों नहीं पाकिस्तान सिंगापुर बन सकता, क्यों नहीं पाकिस्तान दुबई बन सकता। ये कॉन्सेप्ट था बिल्डर का भी, हमारे ऑनर हैं उनका भी यही कॉन्सेप्ट था। हमने इसको ऑर्गेनाइज़ किया उनकी मदद के साथ और ये एनिमेशन को कामयाब बनाया कि पाकिस्तान का फ्लैग भी एनिमेटेड हो सकता है, पाकिस्तान में भी फायरवर्क्स एनिमेटेड हो सकते हैं और पाकिस्तान भी जिद्दत में आ सकता है। जी बिल्कुल, देखें बहुत खूबसूरत जो है वो बिल्डिंग लग रही है। अगर मेरा कैमरामैन काशिफ अमीर दोबारा अगर दिखाए तो बहुत खूबसूरत जो है वो डिजिटलाइज जो है वो बिल्डिंग बनाई गई और फायरवर्क्स जब हो रहे थे हमारे नाज़रीन को हमने लाइव भी जो है वो दिखाया, बहुत खूबसूरत मनाजिर थे। फैमिलीज़ यहाँ पे जो है वो क्लिफ्टन डिफेंस और दीगर लोग मुजाहरा किया जा रहा है, शानदार आतिशबाजी हो रही है। फैयाज बुखारी हमारे नुमाइंदे वहाँ पर मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करेंगे। फैयाज बुखारी बताइएगा क्या मनाजिर क्या सूरत हाल देख रहे हैं वहाँ पर? जी अगर मनाजिर की बात की जाए तो जबरदस्त समा है, ऐसा लग रहा है कि ईद हो रही है। शहर कायद की आवाम जो है वो सारी आवाम जो है वो सड़क पर आ चुकी है और जो खरोश से आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा है वो काबिले दीद है। इतने ज़्यादा लोग सड़कों पे मुझे लगता है कि शायद पहले कभी नहीं निकले होंगे और इस कदर लोग हैं कि बस लोग ही लोग नजर आ रहे हैं, हाथों में झंडे लहराए हैं, किसी ने जो है वो बालों को रंगा हुआ है हरे और सफ़ेद रंग से, तो किसी ने चेहरे पर हरे और सफ़ेद रंग से चांद सितारा बनाया है। एक ज़बरदस्त समा है, लोग जो है वो यहाँ पर भंगड़े डालते नज़र आ रहे हैं, रक्स करते नज़र आ रहे हैं, मिली नगमे चल रहे हैं और इस कदर शोर शराबा हो रहा है कि फायरवर्क्स भी साथ साथ चल रहे हैं और पूरा ही शहर ऐसा लग रहा है के सब सड़कों पर मौजूद है। इस कदर शोर है कि क्या ही बात है, मिली नगमो नहीं तो ऐसा लग रहा है कि जोश और जज्बा तो बाला कर दिया है। और शहर कायद की जो आवाम है वैसे बहुत कम उसे खुशी के मौके मिलते हैं, लेकिन इस किस्म का मौका मिले तो वो हर लिहाज से इंजॉय करते नज़र आते हैं। मेरे कैमरामैन मोहम्मद यूसुफ अगर आपको कुछ हद तक दिखाएं कि इस वक्त जो है वो किस कदर जो है वो लोग हैं जो है वो झंडे लहराते इंजॉय करते खुशी का इजहार करते नज़र आ रहे हैं और दूर दूर तक एक ज़बरदस्त समा नज़र आ रहा है। और ये 5-स्टार चौरंगी है और इस वक्त जो है ओवरहेड ब्रिज पर भी शदीद लोग मौजूद हैं और दूर दूर तक लोग ही लोग नज़र आ रहे हैं और एक सड़क जो है उस जानिब जो है उसे खोला गया है शहरियों के लिए कि अगर किसी को एमरजेंसी हो और वो गाड़ियों में एम्बुलेंसेस के तहत या अगर कोई एमरजेंसी में जाना चाहे तो वो बआसानी जा सकता है, जबकि दूसरी जानिब दूसरी रोड जो है उसे मुकम्मल तौर पर बंद कर लिया है। 5-स्टार वो मशहूर शाहरा है जिसकी चारों जानिब से एक बड़ी तादाद है सेंट्रल की बस्ती की, वो यहाँ पर जमा हो जाती है। उसमें नॉर्थ नाज़िमाबाद के तमाम ब्लॉक्स हैं और न्यू कराची नॉर्थ कराची के तमाम सेक्टर्स हैं, वो तमाम के तमाम लोग जो हैं
इस फाइव स्टार चौरंगी का रुख करते हैं। पहले किसी जमाने में जो है वो दीगर जमातें करवाती थी और इस बार जो है वो फायर वर्क्स का एहतमाम शहरियों की जानिब से किया जाता है, क्योंकि अब जो है कोई सियासी जमात यहाँ पर अब फायर वर्क्स नहीं करवाती, तो शहरी अपनी आप अपनी मदद के तहत जो इसे इंजॉय करना चाहते हैं वो स्पीकर से आते हैं, रक्स करते नजर आते हैं, ढोल धमाके करते नजर आते हैं और कुछ लोग जो है वो यहाँ पे पटाखे फोड़ते और फायर वर्क्स आतिशबाजी करते नजर आते हैं। लंबे लंबे जो है वो लोग जो है वो हाथों में झंडे लिए इंजॉय करते नजर आ रहे हैं। शहरियों का जो रक्स है वो ज़बरदस्त है, एक काबिले दीद समा है और लोगों को ये भी याद रखना चाहिए कि जश्न जो है वो जिंदा कौमें ही मनाती हैं और इस कदर जश्न मनाया जा रहा है कि जिंदा दिले कराची जो है वो एक ज़बरदस्त बाजी ले गए हैं।